तो दोस्तों मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बिल बुक प्रिंट कर रहे हैं। ये देखिए, ये डुप्लीकेट पेपर चालू था और बीच में मुझे समस्या आई, सोचा आपके साथ शेयर करूं। तो ये हमारा रिसो सीवी 3230 मशीन। तो चलो दिखाते हैं समस्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मैंने जो है प्रूफ के साथ प्रिंट किए थे, मतलब कंप्यूटर से नहीं छोड़ी थी, प्रूफ के साथ किए थे। ये देखिए, ये समस्या आ रही है। अभी ये किस वजह से आ रही है मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा पेपर है ये पतला है, 50 या 47 GSM पेपर है। तो ये पेपर चिपक रहा है, जो मास्टर रोलर है, ड्रम है, उसमें चिपक रहा है। अभी ये चिपकने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी, इसमें कोई पैच भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये देखिए, जो शब्द है थोड़े से डार्क हैं बस, लेकिन ये चिपकेगा तो और कोई काम कैसे कर सकता है आदमी। देखिए, ये मैटर चिपक रहा है, आप भी सोचिए। अभी ये क्यों चिपक रहा है? ताकि मैंने स्पीड कम रखी है, और स्पीड कम रखने का रीज़न एक ही है कि जो बिल बुक है वो ट्रिप्लीकेट है, मतलब ट्रिपल है, तो रजिस्ट्रेशन प्रॉपर आना चाहिए, उसकी वजह से मैंने किया था। थोड़ा सा हाई स्पीड पर छोड़ना पड़ेगा, और हाई स्पीड पर छोड़ते टाइम आपको थोड़ा पोजीशन आपको आगे लेना है, क्योंकि स्पीड में पेपर पीछे आगे पीछे होता रहे। तो थोड़ा सा मैंने आगे इसका के चार पे करके छोड़ दिया। अभी देखते हैं चालू चलता है कि नहीं। ये इस मशीन में दिक्कत बहुत आती है। देखिए, ये चिपक गया। अभी इसमें क्या चिपकने का मैटर क्या था आप ही सोचिए। तो ये प्रॉब्लम आती है इस मशीन में, जो जो गाढ़ा पेपर रहता है 70 GSM उसमें नहीं आती, लेकिन इस टाइप के पेपर में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। ये देखिए, तो अभी ये मैं साफ करके लेता हूँ, फिर से ट्राई करता हूँ क्या होता है। अभी ड्रम मैंने साफ करके लिया है पूरा, देखिए जो एक्स्ट्रा इंक रहता है वो साफ करके लिए। अब देखते हैं चला के, चलो देखते हैं अभी कैसे क्या चल रहा है। ये देखिए दोस्त, तो अभी ये जॉब है ना, बहुत मेरा टाइम लगेगा, बहुत मतलब तकलीफ देगा चलने में। तो इस तरीके से मशीन में प्रॉब्लम आती है। अभी ये चिपकने का प्रॉब्लम है, तो अभी ये तो नॉर्मल है, तो इस वजह से भी ये मशीन बहुत प्रॉब्लम देती है। तो आप ही सोचे कि हम आदमी काम कैसे करें। तो ये सब दिक्कत आती है, इतना भी कोई डार्क मैटर नहीं है, फिर भी देखें अभी मतलब। तो दोस्तों उसके ऊपर एक ही सोल्यूशन है कि आप थोड़ा पेपर चेंज कीजिए। ये देखिए, येलो पेपर ही है, लेकिन ये पेपर थोड़ा सा अलग है। ये देखिए, ये अपना ये येलो है पीला पेपर, और ये पीला पेपर देखिए, ये पेपर आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो ये देखिए चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं। इसमें पिंक पेपर बराबर से चला, खाली येलो पेपर ही नहीं चला प्रॉपर। तो आप ये पेपर रिप्लेस में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर है, पेपर थोड़ा सा ऐसा डार्क शेड में आता है और ये प्रॉपर येलो आता है। ये पतंग पेपर भी बोलते हैं इसको, अभी आपके जगह पे क्या बोलते हैं आइडिया नहीं, लेकिन इस तरीके से दो पेपर आते हैं। तो ये पेपर बराबर से चल रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा अटक रहा है, तो इस बात का थोड़ा ख्याल रखें। तो इस तरीके से आप अपना जॉब चेंज कर सकते हैं। पेपर टू पेपर मशीन का बिहेवियर अलग रहता है, तो आप देख लो। वाइट पेपर बिल्कुल एक भी पेपर वेस्टेज नहीं गया मेरा, पिंक भी नहीं गया, लेकिन येल्लो बार बार गए थे। बस ये था इस वीडियो में, ये सब प्रॉब्लम आती है और भी बहुत सारे आएंगे, तो वो भी हम आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इस रिसो के रिलेटेड भी किसी को भी क्यूरी है, तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करके रखें। आने वाले कुछ टाइम में आपको उसके ऊपर भी वीडियो मिलेंगे। तो ये था इस वीडियो में, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।